ओम सरस्वत्यै नमः। प्यारे परीक्षार्थियों, आप सबों का लावण्यम संस्कृतम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं विद्यार्थियों के भावी परीक्षार्थी के संस्कृत साहित्य में प्रमुख पुस्तकों का, जिससे प्रत्येक विश्वविद्यालय के परीक्षा में या प्रतियोगिता के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं रचना या रचनाकार से संबंधित, उनके द्वारा रचित रचनाकार या रचना का प्रमुख पुस्तक का नाम आप लोग के समक्ष वर्णन करता हूं और आप लोग के सामने रखता हूं कि किस रचना को किस रचनाकार ने रचित किया है। जैसे किरातार्जुनीयम, महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम का वर्णन अति सुंदर ढंग से किरात और अर्जुन का नायक बनाकर किया है। भारवी का नाम भारवेर्थ गौरवम के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इनका पद्य बहुत सुंदर भारवेर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। और इसका पद नारियल के फल के समान जितना सुंदर सुकोमल ऊपर से कठोर लगता है और भीतर से सुंदर सरस फल है, उस तरह किरातार्जुनीयम है। शिशुपाल वध का वर्णन नैषधीय चरितम, या उसी को नैषध काव्य भी कहा जाता है, श्री हर्ष ने लिखा। ये तीनों काव्य बृहत त्रयी के अंतर्गत आता है, इसे बृहत त्रयी की संज्ञा दी गई है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बृहत त्रयी कौन सा पुस्तक है, उसमें तीन रहेगा तो भी क्वेश्चन आएगा, यदि तीन में दिया रहेगा एक नहीं रहेगा तो कहेगा कि कौन नहीं है, उसमें भी चिन्ह में पकड़ में आएगा। ठीक है, परीक्षार्थियों, कोई भी परीक्षा में इस प्रमुख पुस्तकों के अंतर्गत जरूर एक न एक प्रश्न रहता ही है। रघुवंशम कालिदास, कुमार संभवम महाकवि कालिदास, मेघदूतम कालिदास, ऋतु संहारम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, विक्रमावसिर्जियम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास। रघुवंशम कुमार संभवम महाकवि कालिदास का ये महाकाव्य है। कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय का वर्णन इन्होंने किया है, जिसमें पार्वती शिव का भी वर्णन आया है। रघुवंशम में रघुकुल की महत्ता और उसका वंश वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। मेघदूत गीति काव्य है, मेघदूत गीति काव्य है, इसे खंड काव्य भी कहते हैं, जिसमें मेघ को दूत बनाकर कालिदास ने कितना सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। ऋतु संहार प्रकृति चित्रण है कालिदास का, और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वविदित नाटक है जो विश्व प्रसिद्ध है। इन्हें विश्व में ख्याति मिला था अभिज्ञान शाकुंतलम से ही इनका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है उपमा कालिदास। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, इसका एक एक पद्य में उपमा लालित्य कितना सुंदर वर्णन है, इसलिए कालिदास को उपमा कालिदास कहा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवसिर्जम और मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों महाकवि कालिदास का नाटक है। चारुदत्तम महाकवि भास का नाटक है। स्वप्नवासोदत्तम महाकवि भास का नाटक है। भासो हास महाकवि कालिदासो विरास, भास को हास के नाम से भी जाना जाता है। चारुदत्त एक गरीब चारुदत्त का वर्णन स्वप्नवासोदत्तम भास का दूसरा प्रसिद्ध कृति है। वैसे महाकवि भास का 13 नाटक प्रसिद्ध है, किंतु ये दो ज़्यादा सर्वविदित है। रत्नावली हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, नागानंद हर्षवर्धन,
ये तीनों हर्षवर्धन का नाटक है। दशकुमार चरितम दंडी की गद्य काव्य। महाकवि दंडी दंडिना पदलालितम ये पदलालित के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस भारवेर्थ गौरवम और दंडिना पदलालितम। काव्यादर्श दंडी का है। अवंती सुंदरी कथा दंडी, जिसमें अवंती सुंदरी की कथा का वर्णन है। चरितम महाकवि बाणभट्ट का हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। वर्धन वंश के लोगों की, उनके वंश के सभी का वर्णन इन्होंने सुचारू रूप से किया है। कादंबरी बाणभट्ट का कथा है। मिरीचकटिकम शूद्रक की प्रकरण है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का नाटक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त। रामायणम वाल्मीकि, रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है और वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जानते हैं। महाभारत महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महाभारत के रचयिता, कितना सुंदर, कितना बड़ा नाम। कृष्ण काले थे वेद व्यास इसलिए कृष्ण, महर्षि थे तो महर्षि, द्वीप में जन्म लिए थे इसलिए द्वैपायन, और वेद का विस्तार किए थे इसलिए वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। सुबंधु वासव दत्ता। गद्य साहित्य में तीन प्रसिद्धि में सुबंधु का नाम भी सर्वविदित है। इनका रचना वासव दत्ता जो है, इन्होंने एक वाक्य में 120 पंक्ति की रचना की है जो बहुत प्रसिद्ध है। राजतरंगनी कलहन, पार्वती परिणय बाणभट्ट, मुकुट ताडितम, कहीं कहीं मुकुट ताडी कम भी कहा गया है, बाणभट्ट की रचना है। कामसूत्र बात्सायन, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, तिलक मंजरी धनपाल, पंचतंत्रम विष्णु शर्मा। इन्होंने पंचतंत्रम में भिन्न भिन्न पशुओं का वर्णन या पक्षियों के वर्णन से इस कथा का अच्छा वर्णन इन्होंने किया है, जो कि राजकुमारों को समझाता था राजा के। हितोपदेशा नारायण पंडित का कथा है। बृहत कथा गुणाढ्य, उत्तर रामचरित भवभूति, दस रूपकम धनंजय, अभिनव भारती अभिनव गुप्त, शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास, गीत गोविंद जयदेव, रति मंजरी जयदेव, मनुस्मृति मनु ने लिखा। मनुस्मृति को उनके रचनाकार स्वयंभू मनु जी हैं। नीति शतक, भर्तृहरि पहले राजा थे, राजा के पास जब विमुक्त हुए तो इन्होंने वैराग्य ग्रहण लिया था, उस समय इन्हें महाकवि बनने का सौभाग्य मिला और ये इन्होंने रचना रचा शतक। शतक का ही नाम अलग अलग रूप में, जब नीति का वर्णन किया तो नीति शतक, श्रृंगार से संबंधित किया तो श्रृंगार शतक, और वैराग से लिखा तो इसको वैराग शतक। ये तीन रचना इधर शतक के नाम से भर्तृहरि का सर्वविदित है। नाट्यशास्त्रम भरत मुनि, भट्टी काव्यम भट्टी, काव्य मीमांसा राजशेखर, सुंदर नंद अश्वघोष, और अश्वघोष का एक दूसरा बुद्ध चरितम। अश्वघोष इसका नाम, जब अश्वघोष इसको पद्य को श्लोक को जब अपने मार्मिक ढंग से सुंदर ढंग से ये गाते थे तो घोड़ा भी खड़ा होकर सुनते थे, अश्व भी उनके वचन को बोली को सुनते थे, जिसके चलते उसका नाम अश्वघोष पड़ा। हर विजय रत्नाकर, अष्टाध्यायी पाणिनी, अमरकोश अमर सिंह, काव्य प्रकाश मम्मट भट्ट। इसके बाद जानकी हरण कुमार दास का रचना है। काव्यलंकार भामह, काव्यानुशासन हेमचंद्र, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित, ये सभी व्याकरण से संबंधित बुक है। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज, मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज,
वरदराज ऐसा एक समय पढ़ रहा था तो मूर्ख था कि पढ़ने में इनको मन नहीं लगता था। एक दिन अचानक जब इन्होंने घर चला गया ना, तो इनको रास्ते में एक कुआं के पास जब घड़ा को देखा कि रखते हुए पानी में चिन्ह हो जाता था, उसी से इसका ज्ञान मिला और फिर वापस आकर पढ़ा तो आज वरदराज इतना बड़ा महान कवि बने, रचनाकार व्याकरण का। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज की रचना है। तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र, शब्द रत्न हरि दीक्षित, कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य का है। अब बृहस्पति अर्थशास्त्र बृहस्पति, चाणक्य नीति दर्पण चाणक, चाणक्य का नीति मानव जीवन में बहुत सर्वविदित है। एक एक चाणक्य का श्लोक अभी वर्तमान समय में भी मानव को उत्थान के लिए, रास्ते पर सुचारू रूप से किसी सफलता को पाने के लिए श्लोक सब मार्मिक वर्णन इन्होंने किया है, मार्मिक चित्रण किया है। बृहत सारंगर पद्धति राजशेखर, मुग्ध बोध पोपदेव, वार्तिक कात्यायन, वाक्यपदीय भर्तृहरि, महाभाष्य पतंजलि, व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा नागेश भट्ट का है। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा नागेश भट्ट, शब्दानुशासन हेमचंद शर्मा, सिप्लिदिकारम इलंगो और ध्वन्यालोक आनंद वर्धन प्रमुख संस्कृत साहित्य के ये प्रमुख पुस्तक है जो आपके सामने रचना और रचनाकार दोनों को रखे हैं। इनको स्मरण करने पर एक न एक क्वेश्चन आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में या कोई भी विश्वविद्यालय के परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, इनको परीक्षार्थियों, यदि इसे पहली बार आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, तथा किसी प्रकार का समझने में त्रुटि या परेशानी महसूस हो तो हमें कमेंट कर ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।